जैसा कि आप सभी जानते हैं, वन प्लस ने इंडिया में काफ़ी अच्छी मार्केट बना ली है और साथ ही साथ इनके अपडेट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो वन प्लस सिक्स पहला डिवाइस था पिक्सल के बाद जिसने पाई का अपडेट रिसीव किया था। उसके बाद वन प्लस ने प्रॉमिस किया था कि वन प्लस फाइव और वन प्लस थ्री दोनों में ही पाई का अपडेट आ जाएगा। कुछ ही दिनों पहले बीटा अपडेट में वन प्लस फाइव और फाइव टी दोनों को ही पाई का अपडेट देखने को मिला था। और अब आज हम बात करेंगे वन प्लस फाइव की, जिसके अंदर ऑफिशियली स्टेबल रोम में एंड्रॉयड पाई का अपडेट आ गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वन प्लस सिक्स है मेरे पास और इसके अंदर पाई का इंटरफेस है, और ये इंटरफेस काफ़ी पसंद आया था मुझे, और ये सेम इंटरफेस अब हमें वन प्लस फाइव में देखने को मिला है। तो ये है वन प्लस फाइव। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर और देखेंगे। तो वन प्लस फाइव में जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारे टॉगल्स थे, नोटिफिकेशन टॉगल्स, वो चेंज हो गया है। मैं साथ साथ वन प्लस थ्री के साथ कंपेयर करता हुआ चलूँगा, क्योंकि पहले वन प्लस थ्री और वन प्लस फाइव दोनों में ही एंड्रॉयड एट था और इन दोनों का इंटरफेस काफ़ी सिमिलर था। तो आपको थोड़ा डिफरेंस देने के लिए मैं दोनों को साथ पर साथ लेके चलूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले इस तरह से था और अब वन प्लस फाइव में इस तरह से हमें नोटिफिकेशन टॉगल्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें, ये देखिए, ये चीज़ तो सेम है ऑलमोस्ट। सेटिंग्स में जाएंगे हम, सेटिंग्स वाला भी लेआउट पूरा चेंज कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट में कर दिया गया है और सेटिंग्स जो है थोड़ी मिक्सअप कर दी गई है, जैसे कि हमें हर एंड्रॉयड पाई के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। हमारा कॉल लॉक का भी चेंज कर दिया गया है, हमारा किस तरह से हम कॉल करते हैं ये चीज़ भी चेंज कर दी गई है इसके अंदर। जब हम कॉल करेंगे उसके बाद भी जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो गया है, और कैमरा का इंटरफेस भी चेंज हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, चेंज उतना मेजर नहीं है बट न्यू चेंज है और आपको पसंद ज़रूर आएगा। कैमरा में अपडेट्स भी है इसके अंदर, पर हल्के बहुत हैं। और एक दो चीज़ें नई आई है इसके अंदर, जैसे कि गेमिंग मोड। गेमिंग मोड का 3.0 वर्जन आया और ये सारे इसके फीचर्स हैं जिन्हें आप देखोगे और जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और इम्प्रूव हुई है जो कि आप डे टू डे यूसेज में नोटिस करोगे। तो अगर हम बात करें अपडेट की, तो यहाँ पर हमारा जो है पाई में अपडेट हो गया है, ब्रांड न्यू यूआई आ गया है, और ये जो गेस्चर हमें वन प्लस सिक्स में देखने को मिले थे, ये हमें वन प्लस फाइव में देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि न्यू अपडेटेड गेस्चर्स थे जिनके अंदर लैग बहुत कम था। ये हमें सिर्फ वन प्लस फाइव टी में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास वन प्लस फाइव टी है तो आपके स्मार्टफोन में गेस्चर ज़रूर आ गए होंगे। फ़ोन के अंदर हमें गूगल लेंस की इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी, जो कि हमें हर एंड्रॉयड पाई के डिवाइसेस में आजकल देखने को मिली है, बट एक फीचर है तो मैंने बता दिया। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये रिसेंट पैनल की एप्स भी अपडेट हो गई है। मींस जो हमारी हॉरिजॉन्टल, जो पहले ऊपर से नीचे की तरफ एप्स आती थी, अब वो सारी हमारी ऐसे आएंगी हॉरिजॉन्टल की लाइन में, और पूरी पूरी ऐप्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। और अगर हम देखिए कि इसे अपडेट करना कैसे है, अगर आपके फ़ोन में अभी तक अपडेट नहीं आया है, तो सबसे पहले आपको वीपीएन डालना है। मैंने सिक्योर वीपीएन की ऐप यूज़ की है, आप इसके अलावा कोई और वीपीएन भी यूज़ कर सकते हो। ऐप डालने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है, और जर्मनी, सिंगापुर या कनाडा में तीनों में से किसी भी जगह का वीपीएन को कनेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा बहुत सर्वर चेक कर रहा है, और यहाँ पर ऑटो की जगह है, मैंने जर्मनी पे क्लिक किया, ओके किया, और उसके बाद ये कनेक्ट हो गया और टाइम स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको सिस्टम अपडेट चेक करना है, और सिस्टम अपडेट में आपको आपका अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस फ़ोन में मैंने अपडेट पहले से ही कर लिया है, तो इसमें अपडेट नहीं आएगा, बट आप ट्राई करोगे तो आपको अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आपको अपडेट अभी भी देखने को नहीं मिलता, तो एक बार फ़ोन की सारी रिसेंट ऐप्स बैकग्राउंड में से हटाइए और इस प्रोसेस को दोबारा ट्राई कीजिए, और होपफुली आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, और आप अपने फ़ोन को जल्द से जल्द पाइप अपडेट कर लीजिएगा। और ये स्टेबल रोम है, तो आप बेफिक्र इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, और जैसे कि आपका रोम इंस्टॉल हो जाएगी, पाई डल जाएगा, उसके बाद जैसे आप होम स्क्रीन पर आएंगे, आप अपनी वीपीएन की ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो और उसे अपने फ़ोन से निकाल के फेंक सकते हो। यस, तो ये वन प्लस फाइव का अपडेट था। अगर आपने नहीं किया है तो जल्द कीजिए, और वन प्लस थ्री में भी पाई का अपडेट आने वाला है, वो भी जल्दी आ जाएगा, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और वन प्लस अगर ऐसे अपडेट देती रही, तो एंड्रॉयड में सबसे अच्छे अपडेट्स तो पिक्सल के बाद वन प्लस की हैं।
तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहिए बीटेक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।